नाभा की नई अनाज मंडी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच के गनमैन को गोली मारकर 50 लाख रुपए लूटने वाले दोनों लुटेरों को पटियाला पुलिस ने सिर्फ 4 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। उपचार के दौरान गनमैन प्रेमचंद की मौत हो गई। दोनों लुटेरे संगरूर के रहने वाले हैं, इसकी पुष्टि आईजी पटियाला रेंज एएस राय ने की। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों से लूटे गए 50 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा गनमैन प्रेमचंद से छीनी गई राइफल, रिवॉल्वर, वारदात में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल और लूट के बाद बदले गए कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। डीजीपी पंजाब सुरेश अरोड़ा ने इस सफलता के लिए पटियाला पुलिस को 1 लाख रुपए का कैश इनाम तथा इसमें बेहतरीन भूमिका निभाने वाले अफसरों और कर्मचारियों को तरक्की देने की घोषणा की। पुलिस ने देर शाम इसका खुलासा किया। यहां यह वर्णन योग्य है कि नाभा पुलिस ने थोड़े समय में ही 4 मर्डर और 2 बैंक डकैतियां ट्रेस की हैं। पटियाला से ब्यूरो रिपोर्ट, NC7 न्यूज़।